हाय व्यूअर्स, आज हमारा बाली में तीसरा दिन है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसे जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इस उम्र में आकर हमें ये क्या सूझी। असल में आज हम सबसे पहले एटीवी राइड के लिए यहाँ आए हैं। काफ़ी बड़ा सेटअप लग रहा है, पार्किंग ही काफ़ी बड़ी है। नाम है दादी बाली एडवेंचर्स, दादी बाली एडवेंचर्स, एटीवी यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल। ये चार पहिया व्हीकल हर प्रकार के ऑफ रोड ट्रैक पर चल सकती है, लेकिन हमें बैक एंड नी इश्यूज के चलते थोड़ा मुश्किल हो सकती है। पर चलिए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो कहावत है ना कि जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। तो चलिए फिर चलते हैं। एक ही टीवी पर दो लोगों की राइड के यानी कि डबल राइड के, यहाँ डबल राइड को ये लोग टैंडम राइड बोलते हैं, 1.5 घंटे की राइड के थोड़ा बारगेनिंग करने के बाद 5500 रुपये कॉस्ट आई है। इसमें गम बूट्स, पैरों को गिले होने से बचाने के लिए पॉलीथीन के कवर, लंच, वॉशरूम की फैसिलिटी, टॉयलेटरीज, सामान रखने के लिए लॉकर्स आदि सब इंक्लूडेड है। मामला थोड़ा टफ ही लग रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, पीछे तो अब हम भी नहीं हटने वाले, पूरी तो करके ही छोड़ेंगे। ये एंटर कर गए अंधेरी गुफा में। ट्रैक डिफिकल्ट तो है पर है जबरदस्त। और ये गए नदी में। बाली भ्रमण के दौरान आपका भी यदि एटीवी राइड का प्रोग्राम बने तो कुछ बातें ध्यान में रख लें ताकि आपका आनंद फीका न पड़े। नंबर 1, यदि आपने पूरे रास्ते की वीडियो बनानी है तो अपनी वीडियो खुद ही बनाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि एक तो एटीवी वालों के फोटोग्राफर केवल 2 या 3 पॉइंट्स पर ही बैठे होते हैं, दूसरे उनके चार्जेज भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2, एटीवी राइड के दौरान सेल्फी स्टिक का प्रयोग न करें। अपने मोबाइल या कैमरे को मजबूती से एक हाथ से पकड़कर रखें और दूसरे से एटीवी की रेल को। नंबर 3, यदि फोटोग्राफी करनी ही है तो डबल राइड वाली ऑप्शन चुनें, यानी कि एक एटीवी पर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं, एक चलाएगा और दूसरा फोटोग्राफी करेगा। डबल राइड वाली ऑप्शन में लोड बढ़ने के कारण एटीवी चलाने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, इसलिए वही पर्सन ड्राइविंग की सीट संभाले जो फोर व्हील चलाने में अच्छा एक्सपर्ट हो। नंबर 5, एक ड्रेस एक्स्ट्रा जरूर साथ में रख लें, क्योंकि एटीवी राइड के दौरान कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं। नंबर 6, एटीवी वाले गम बूट तथा पैर कवर करने के लिए पॉलीथीन कवर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अपने जूतों की चिंता न करें। नंबर 7, बाली में एटीवी राइड एक मुख्य एडवेंचर स्पोर्ट है और यहाँ पर इसके लिए कई जगहें पर कई कंपनियाँ हैं
और हर एक के अपने अपने सेटअप हैं, अपने अपने ट्रैक हैं और अपने अपने रेट हैं। बारगेनिंग भी काफ़ी है। वैसे जहाँ तक बारगेनिंग का सवाल है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी ज़्यादा बारगेनिंग होती है। वो तो हमारे ड्राइवर मिस्टर टोबी बड़े ही अच्छे थे, उन्होंने ही बताया कि सर बारगेनिंग करो अच्छे से। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हो सकता है आपका भी कभी आने का प्रोग्राम बन जाए। बस एक बात याद रखना, टोबी इज ए जेम। अरे वो क्या वाटरफॉल भी है, वंडरफुल भाई, वंडरफुल। हेलो हाय, व्यूअर्स, ये रेट, ये बारगेनिंग सब अपनी जगह ठीक हैं, पर एक बात और है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़ी ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्टिविटी है यह एटीवी राइड। और जहाँ तक डर वाली बात है, वह भी अपनी जगह सही है, पर जो आनंद है, एन्जॉयमेंट की जो फीलिंग है, दैट इज इन्फिनिट, उसे न तो कोई लेखनी लिख सकती है, न ही कोई जुबां बयां कर सकती है और न ही कोई कैमरा क्लिक कर सकता है। वह तो बस एक अनुभूति है जो खुद करके ही महसूस की जा सकती है। दादी बाली का ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर हमारे इंस्ट्रक्टर या गाइड कह लीजिए मिस्टर कोमल बहुत ही शानदार थे। उन्होंने इतनी डिफ़िकल्टी भरी राइड को आनंदमय बनाने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वे हमें नदी, झरने, घाटी, गुफाओं, पर्वतों व जंगल आदि हर कुदरती नज़ारे वाले ट्रैक से लेकर गए और सही सलामत राइड पूरी करवा कर वापस ले आए। इनकी एक बात और अच्छी थी कि ये लोग बड़ा ग्रुप बनाने के चक्कर में वेट नहीं करवाते थे, दो लोगों के साथ भी एक गाइड भेज रहे थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सो वी हैव डन इट। ओह यस, आई एम सो हैप्पी, वी हैव डन इट। अब हम तेगलालांग टाउन की ओर जा रहे हैं, वहाँ के वर्ल्ड फेमस राइस टेरेसेस के नज़ारे देखने। लंच हमने एटीवी सेंटर पर ही कर लिया था। लंच काफ़ी अच्छा था, कई वेज आइटम्स थी, पर एटीवी राइड के बाद भूख इतनी लगी थी कि हम वीडियो बनानी भूल ही गए। ये लेफ्ट में उबुद का लगभग 100 वर्ष पुराना हेरिटेज होटल है, होटल चंपुहान। प्रोनंसिएशन में भी रॉन्ग, यह होटल अपने डिस्टिंक्ट स्टाइल, सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री तथा बालीनीज हॉस्पिटैलिटी के लिए काफ़ी फेमस है। हाँ तो व्यूअर्स, हम बता रहे थे कि तेगलालांग में कुछ कंपनियों ने अपने फार्म हाउसेस की तरह कुछ टेरेसेस टूरिस्टी वे में डेवलप कर रखे हैं और उन सब में आपको लहलहाते राइस टेरेसेस के अलावा बाली स्विंग्स के रूप में मशहूर वो लंबे लंबे झूले
स्विंग्स के लिए पहनी जाने वाली वो लंबी सी टेल वाली रंग बिरंगी चमकीली पोशाकें और वो बिल्ली जैसा दिखने वाला सीवेट नामर जानवर के फिकल मैटर से तैयार की जाने वाली और दुनिया की सबसे महंगी कही जाने वाली लुवॉक कॉफी, ये सब कुछ आपको हर राइस टेरेस के स्टार्टअप में मिल जाएगा। राइस टेरेस में अंदर जाने से पहले एक दो बातें अच्छे से जान लें। नंबर वन, टूरिस्टी वे में डेवलप्ड राइस टेरेसेस जैसे कि सीकिंग राइस टेरेस तथा अलास हरूम आदि में एंट्रेंस फीस लगती है। नंबर दो, ये लोग आपको अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं ले जाने देंगे और अंदर खाने पीने के लिए रेट थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, इसलिए यदि थोड़ी किफ़ायत करनी है तो अपनी पेट पूजा करके ही अंदर जाएं। नंबर तीन, स्विंग्स की ड्रेसेस का एक घंटे का किराया काफ़ी होता है, राउंड 1000 से 1200 रुपये के आसपास। यदि बचत ही करनी है तो पीछे लहराने के लिए कोई प्लेन साड़ी या दुपट्टा साथ ला सकते हैं, जैसा कि कई फिलिपिनी युवतियों ने पहना हुआ था। नंबर चार, तेगला लान के राइस टेरेसेस में अच्छे बढ़िया स्विमिंग पूल भी होते हैं। यदि आपने पूल में उतरने का आनंद लेना हो तो उसके हिसाब से ड्रेस रखना ना भूलें, क्योंकि पूल फ्री हैं या ये कह सकते हैं कि एंट्री फी में ही इंक्लूडेड होता है। नंबर पाँच, तेगला लान मार्केट में मुझे करेंसी कन्वर्जन का सबसे अच्छा रेट मिला था, सो देख लेना। बाली ट्रैवल की आइटनरी बनाते समय हमने अलास हरूम नामक राइस टेरेस में जाने का तय किया था और लगता है कि हम अलास हरूम पहुंच गए हैं। अलास हरूम की एंट्री फीस 50,000 इंडोनेशियन रुपया पर पर्सन है, जो कि INR 260 रुपये के लगभग बनते हैं। झूलों, ड्रेसेस तथा दूसरी एक्टिविटीज़ के चार्जेस अंदर अलग से पे करने पड़ते हैं। टिकट हमने ले ली है, चलिए अब अंदर चलते हैं। तेगला लांग राइस टेरेसेज में यूँ तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्काई बाइकिंग, फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइनिंग, तरह तरह के स्विमिंग पूल्स, हैंगिंग ब्रिज, दर्जनों मन लुभावने फोटो पॉइंट्स और विभिन्न प्रकार के इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई कलाकृतियाँ। लेकिन मुख्य आकर्षण वहाँ के लंबे लंबे झूले ही हैं। झूलों में लंबी रंगीन ड्रेस पहने बैठी युवतियों की पींगें जब नील गगन में चढ़ती हैं तो पीछे लहराता रंगीन परिधान एक बेहद मनमोहक व नैना विराम दृश्य पेश करता है। इन राइस टेरेसेस में बालिनीज व कॉन्टिनेंटल खाने के फूड स्टॉल्स व कैफे आपकी टेस्ट बर्ड्स को तृप्त करने और पेट की शुद्धा को शांत करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन परोसने को हर समय तैयार रहते हैं। जहां तक क्लीनलीनेस का, स्वच्छता का सवाल है, वो तो बस पूछो ही मत। हर चीज एकदम ऐसी नीट एंड क्लीन होती है मानो अभी अभी रैपर में से निकालकर सजाई गई हो, और किसी भी स्थान का मन भावन होना मुख्यतया उस स्थान की स्वच्छता पर ही निर्भर करता है। क्लीनलीनेस के मामले में तेगला लान के राइस टेरेसेस को यदि मैं 10 में से 10 नंबर दे दूं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहां तक चार्जेस की बात है, जुलाई 2024 की अलास हरूम के झूलों व ड्रेसेस की रेट लिस्ट ये रही। सो व्यूअर्स, कल सुबह 6 बजे हम निकलेंगे नुसा पेनिडा के लिए, यानी कि नुसा आइलैंड के लिए। बाली में आइलैंड को पेनिडा बोलते हैं। हम उबुल से शानूर पोर्ट जाएंगे, लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। कल का दिन
नूसा पेनिडा एक्सप्लोर करेंगे और परसों सुबह वापस लौटेंगे मेन बाली आइलैंड पर। इसके अलावा हम बाली की कंप्लीट आइटनरी पर भी एक स्पेशल एपिसोड बनाने की सोच रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर व्यूअर्स, मिलते हैं कल नूसा पेनिडा की फास्ट बोट की फुहारों और कैलिंकिंग बीच के रोमांचक नज़ारों के साथ।